गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं पावा होंडा जो कि है बक्सर में, और बक्सर में आपको ये पावा होंडा मिल जाएगा सब्जी मंडी रोड माखन भोग के पास, और बक्सर का एकमात्र ये होंडा का शोरूम है। और आज हम आए हैं शोरूम में होंडा नई सीबी शाइन 125 का रिव्यू करने, शाइन एसपी। और हमारे साथ हैं आज अजीत भैया, जो हम लोग को शाइन का रिव्यू बताएंगे प्रॉपरली। और इस शोरूम में अगर आप आते हैं तो अजीत भैया से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस शोरूम के एक तरीके से आप देखिए तो यहाँ पे ओवरऑल यही है। और यहाँ पे आइए, इन भैया से बात करिए, आपको ग्रेट डील और बाइक पे आपको जो भी डिस्काउंट या फिर ऑफर मिल सकता है, भैया से बात करिए, आपको भैया ज़रूर दिलाएंगे। तो आगे चलते हैं, बाइक की रिव्यू करते हैं। तो ये है हमारी बाइक होंडा सीबी शाइन, जो कि है 125 सीसी नई वेरियंट है इस बाइक में। और इस बाइक में अगर आप खरीदने जाते हो तो भैया इस गाड़ी में कितने कलर अवेलेबल है? इस गाड़ी में फाइव कलर अवेलेबल है। ये विदाउट डिस्क मॉडल है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको डिस्क वेरिएंट भी साथ में मिल जाएगा। इस बाइक में आपको पावर मिल जाएगा 10.16 पीएस एट द रेट 7500 आरपीएम, और इस बाइक का मैक्सिमम टॉर्क है 10.30। तो ये बाइक आपको पावर के लिए भी बहुत सही है। और अगर आप राइडिंग पोस्चर इस बाइक का देखें, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ उस बाइक पर। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर देखें तो आपको ये प्रॉपर कम्यूटर बाइक जो होती है उसका पूरा तरीके से फीलिंग दे देगी ये बाइक। और इस बाइक का जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है पहले से। तो अब मिलते हैं अजीत भैया से और फिर से पूछते हैं कि बाइक में पहले के वेरिएंट के हिसाब से इस वाले वेरिएंट में क्या क्या चेंज किया गया है। तो अजीत भैया, पहले के बाइक के हिसाब से इस वाले वेरिएंट में क्या क्या चेंज किया गया है? पहले बाइक से अभी बाइक में, सबसे पहले तो मैं इंजन के बारे में बता दूं। इंजन HD इंजन है इसका, होंडा इको टेक्नोलॉजी, जो कि ज़्यादा सीसी का होके भी माइलेज ज़्यादा प्रोवाइड करने का कस्टमर को ये बेनिफिट होता है। 125 सीसी में माइलेज इसका 65 का है। अच्छा, 125 में 65 का माइलेज है। तो भैया ये गाड़ी आपको कार्बोरेटर इंजन है या फिर फ्यूल इंजेक्टेड है? ये फ्यूल इंजेक्टेड है, FI इंजन है। तो भैया इसमें और क्या क्या पुराने गाड़ी के हिसाब से इस गाड़ी में चेंज किया गया है? दूसरी चीज इसकी, इसका जो टायर है, दोनों ट्यूबलेस टायर है, और ट्यूबलेस टायर में HT टायर है जो कि बहुत कम घिसता है और बहुत कम गर्म नहीं होने देता है टायर को। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ इसका। और आप देख सकते हैं कि इंजन पे जो पेंट वर्क किया गया है वो कितना काफी ज्यादा प्रीमियम है। भैया ने शुरू में ही बताया था गाड़ी में 5 गियर प्रोवाइड किया गया। पहले के अगर आप होंडा सीबी शाइन में देखो तो आपको गाड़ी में सिर्फ 4 गियर प्रोवाइड किया जा रहा था। ओवरऑल इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली या फिर सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कम्यूटर 125 सीसी बाइक है वो है होंडा सीबी शाइन एसपी, जो कि इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले होंडा सीबी शाइन थी ना? हाँ, पहले सीबी शाइन था, और सीबी शाइन का ये लेटेस्ट वेरिएंट है शाइन एसपी विथ 5 गियर एंड डिजिटल मीटर। तो आप देख सकते हैं बाइक का जो पीछे का जो आपको सारा पार्ट है, ये फाइबर है बाइक का जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अजीत भाई, हम लोगों को पहले ही बताया, फ्लेक्सिबल है ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इस बाइक की, और ये इंडिकेटर की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, आपको ऐसी कोई बाइक में नहीं देखने को मिलेगी। होंडा सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रोवाइड करता है, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बाइक में क्या आती है, सबसे पहले क्या टूटता है वो इंडिकेटर। तो आप इंडिकेटर का देख सकते हैं किस हिसाब का ये फ्लेक्सिबल है। और अब चलते हैं इसके बैकलाइट की तरफ। बैकलाइट पहले के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले आपको मिलता था थोड़ा बोरिंग टाइप का, थोड़ा चौड़ा टाइप का बैकलाइट, अब मिलती है आपको एक शार्प बैकलाइट जो कि बनाते हैं इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट। इसके पीछे का जो ग्रैबरेल है ये रबड़ का है, जिसे हाथ से पकड़ बहुत अच्छी तरीके से बनता है, हाथ में पसीना वसीना हो उससे हाथ फिसलता नहीं है। आप देख सकते हैं कि रबड़ का यूज़ तो किया ही गया है, लेकिन इस ग्रैब रेल के ऊपर आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर को देखने को भी मिल जाएगा, जो कि इस बना देती है ग्रैब रेल को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव। पहले आपको पहले वाले वेरिएंट में मिल जाता था एक बोरिंग सा मेटल का बनाया हुआ ग्रैब रेल, लेकिन इस वाले को आप अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा आप सिजलिंग कह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसका हेडलाइट बहुत ही प्रकाशदायक है, रात के समय में लाइट बहुत ही, मतलब कि एकदम लाइट बहुत ही दूर तक और बहुत क्या कहते हैं अंधेरों को एकदम काटते हुए निकलती है। और ये इसका हेडलाइट AHO है, ऑटोमेटिक हेडलाइट। BSCO होने की वजह से AHO हेडलाइट प्रोवाइड किया जा रहा है सिक्योरिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और आप इस वाइजर का आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक ये देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, जो कि आपके बाइक को हाई स्पीड पकड़ाने में और या फिर गाड़ी का पिकअप जो होता है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देती है बिकॉज ऑफ द एरोडायनेमिक्स।
और भैया बताए थे कि अभी इसका जो हेडलाइट है उसका आप ड्यूरेशन या फिर आप जो इसको बोलते हैं इसका जो जो फैलाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, और आगे में जो इंडिकेटर दिए गए वो पीछे वाले ही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है उसमें। और यहाँ पे आपको टायर के बारे में भैया बताए थे, भैया इसमें कौन सा टायर यूज़ किया गया? ये HET टायर है, होंडा इकोर टेक्नोलॉजी। ये टायर बहुत ही कम घिसता है और गर्म जल्दी नहीं होता है, जिससे कि टायर के लाइफ लंबा। तो ये टायर होंडा प्रोवाइड कराती है जी, ये तो ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस टायर है, आगे पीछे ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया गया है। और HET जो होंडा की टेक्नोलॉजी है, होंडा इको टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से इसको भी बनाया गया है ताकि ये बहुत ही ज्यादा टिके और टायर गर्मी के दिन में गर्म होकर ब्लास्ट ना। देख सकते हैं यहाँ पे साइन एसपी में कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम यहाँ होता है, जो इक्वलाइजर, जिससे गाड़ी का दोनों चक्के में ब्रेक लगाने का सारे फंक्शन यहाँ मौजूद होते हैं। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइए पीछे आइए। और आप इस बाइक का नया एग्जॉस्ट देख सकते हैं, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपको। यहाँ पे आपको मेटल फिनिश मिल जाएगा, बाकी आपको नीचे से मैट कलर का कलर देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है इस बाइक को। ये स्लिक लुक देने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं इस बाइक का, जो एग्जॉस्ट इसमें प्रोवाइड कराया गया है। पिछले वाले मॉडल से एग्जॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। आप अगर ओवरऑल इस बाइक का देखें तो भैया अजीत भैया हमें बताएंगे कि बाइक खरीदने लायक है कि नहीं है, अगर खरीदने लायक है तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है। तो अजीत भैया से हम पूछते हैं कि बाइक में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या है जो इस बाइक को आपको 125 सेगमेंट की कम्यूटर बाइक में इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक बना दी और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बाइक बना दी है। और हम इस बाइक को अगर खरीदने का सोच भी रहे हैं तो किस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करें कि ये बाइक हम खरीदें, तो अजीत भैया बताइए आप। पहले तो ये गाड़ी का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत है, स्पोर्टी लुक है, जिससे यंग लड़कों को बहुत ही ज़्यादा रुझान अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है। और दूसरा चीज़ कि ये हर किसी के बजट में आ जाता है, 125 सीसी में माइलेज बहुत ही इसका खूबसूरत है, 65 किलोमीटर KMPL का माइलेज है इसका, 125 सीसी में। दूसरा चीज़ इसमें एक गियर एक्स्ट्रा मिलता है, पाँच गियर की गाड़ी है ये, और साथ साथ स्पोर्टी लुक होने की वजह से इसका और भी ज़्यादा कुछ लुक इसका और अच्छा लगा है। मीटर का जो कि डिजिटल मीटर इसमें दिया हुआ है, और साथ में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, ये सारे सिस्टम को लेके ये गाड़ी अभी होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली साइन एसपी, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ी अभी साइन एसपी 125 सीसी के वेरिएंट में बिकती है। तो भैया इस बाइक का प्राइस क्या है, इंजन प्राइस और ऑन रोड प्राइस क्या है इस बाइक का? इस गाड़ी का अभी ऑन रोड प्राइस है ड्रम में 80,600 है ड्रम में, और डिस्प्ले लीजिएगा तो वो आपका 84,800 का। तो डिस्प्ले में अगर आप लेते हैं गाड़ी को तो आपको 84,000 ऑन रोड पड़ जाएगा, और अगर आप ड्रम ब्रेक में लेते हैं डिस्क के अलावा जो ड्रम ब्रेक आती है तो उसमें अगर आप लेते हैं तो आपको बाइक पड़ जाएगी 80,400। सो आज का रिव्यू करते हैं यहीं पे खत्म। अजीत भैया ने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल दिया, तो अजीत भैया को हमारी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। और अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, अगर आपका बजट है 80,000 से 85,000 के बीच में, अगर आपको चाहिए एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग बाइक विथ अ गुड माइलेज, और गाड़ी का जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत सही है, तो आप इस बाइक को खरीद सकते हैं आँख बंद करके। अगर आप बक्सर के हैं और ये बक्सर में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पावा होंडा में मस्ट विजिट करें इस बाइक के लिए, और मिलिए यहाँ पे अजीत भैया से, आपको ग्रेट ऑफर ये प्रोवाइड कराएंगे आप।